कैसे आप लोग सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जी, मेरी वीडियो को पहले आप लोगों ने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आप पूरी वॉच करनी है आप लोगों ने वीडियो। आप लोग देखते तो हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो लाजमी क्या करें, ठीक है जी? क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है जी? आपकी सपोर्ट से जो हो जाएंगे हम कामयाब एक दिन। तो ठीक है जी, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं अपनी हांडी बना लूँ, ठीक है जी? आज बना रही हूँ मैं मसर और साथ में चावल, ठीक है? किस तरह से बनाती हूँ तो देख लेते हैं हम, ठीक है जी? पानी मैं ऐड करूँगी, जितना आपको पानी की ज़रूरत है उतना आप हांडी में ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो हमारे पंजाबी स्टाइल में तो जी जितना हम बनाते हैं वैसे मैं बनाऊँगी अपनी हांडी, ठीक है? टमाटर मैंने ले लिया, बड़ा टमाटर है ये एक, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है? प्याज काट के ये इसमें ऐड करूँगी मैं, मसर। किस किस को पसंद है मसर चावल तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी? कमेंट किया करें लेकिन अच्छे क्या करें, प्यारे प्यारे से ना, ताकि हमारा भी कुछ हो जाए, ठीक है जी? तो चलें अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है? ये ऐड कर दिया हमने, साथ ही मसर जो थे मैंने भिगो के रख दिए थे ये ऐड कर देंगे सारे इसके अंदर, ठीक है? बिस्मिल्लाह। इसमें पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें दोनों मिक्स है, बिस्मिल्लाह। एक चम्मच भर के, ठीक है? पिसा हुआ धनिया ये भी समझ लो एक चम्मच के बराबर ही है, ठीक है? और ये है हल्दी, ये भी एक चम्मच आएगा इसके अंदर। और एक पाव मैंने मसर ले लिए थे, ठीक है? ये बता दूँ मैं आपको ना, काले मसर वो ले लिए थे, ठीक है? चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, ठीक है? ये ऐड कर दिया हमने, जो है इसको मिला लेते हैं, इसको मिला के और अब छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। ये 15 से 20 मिनट तक ये दाल हमारी पकेगी, ठीक है? और इस पर हम कैप रख देते हैं, क्योंकि मैं कैप पूरा नहीं रखूँगी, इसलिए कि पानी जब उबलता है तो सारा जो ना ये दाल जो है सारी इसका जो पानी होगा वो सारा गिर जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने जो ना आधा रखा है और पूरा इसको पूरा पैक हम लोगों ने नहीं करना, ठीक है जी? तो चलें 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें जी, सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं आधा जो है कैप ये लगाऊंगी और आधा रहने दूंगी, ठीक है? अगर मैंने ज़्यादा पूरा कैप लगा दिया, इस तरह से लगा दिया, तो ये जितना पानी है ये निकल के बाहर आ जाएगा और जो हमारे मसाले वो भी गिर जाएंगे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? इसको पकड़े देते हैं हम, ठीक है? बड़े मज़ेदार वाली जो ना चटनी बन रही है, तो देखते हैं मैं चटनी कैसे बनाती हूँ। तो ये रखा हुआ है चट्टू बट्टा, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे? पहले मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें जितनी आपको चाहिए, लेकिन मैं तेज़ बनाऊंगी चटनी जो ना मिर्चों वाली, ठीक है? इसमें जाएगा मिर्च डाल दी मैंने सब, आप प्याज ये ऐड कर दिया इसके अंदर, ज़्यादा अगर आपको प्याज पसंद है ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, बड़ी मज़ेदार वाली चटनी बनती है। इसमें धनिया ऐड कर देंगे, सही है? थोड़ा सा धनिया जो मैंने बचा लिया दाल के लिए, अब इसको हम कूटेंगे, कूट के और फिर जो है और नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाह। चलिए पूरी में चटनी बना लेती हूँ, फिर इसके अंदर टमाटर जो होगा ना ये वाले ये ऐड करेंगे, ठीक है? टमाटर भी ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर को भी हमने कूटना है इसके अंदर, तो इसलिए कि टमाटर जो है ना मोटे मोटे रखिएगा, इसके अंदर बारीक नहीं पीसिएगा इसको, अच्छा? ठीक है, अब ये पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है?
टमाटर भी ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर को भी हमने कूटना है इसके अंदर, तो इसलिए कि टमाटर जो है ना मोटे मोटे रखिएगा, इसके अंदर बारीक नहीं पीसिएगा इसको। अच्छा ठीक है, अब ये पीस कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, चावल के लिए पानी मैंने रख दिया, नमक इस पर डाल दिए और ये ऑयल करने के लिए चावल। ठीक है बस अभी ये बन जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी, इसको कर देते हैं मिक्स। बस बॉयल होते हैं चावल तो फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है जी, कैप लगा देती हूँ मैं इसको, लेकिन आधा लगाऊंगी, पूरा नहीं लगाऊंगी। तड़का मैंने लगा दिया, चूल्हे को कर देती हूँ बंद। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाए ये दाल जो है इसके अंदर रखेंगे हम। ये देखिए जी, दाल चावल हो गए हमारे तैयार। कैसे लगे आपको? साथ में जी चटनी और हरी मिर्च को हमने यहाँ रख दिया। ये देखिए